अगर आप लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस स्कीम में अप्लाई किया है तो इसमें दोस्तों कई लोगों के पास एक भी किस्त नहीं आई है, कई लोगों के पास एक किस्त आने के बाद दूसरी किस्त नहीं आई है और कई लोगों के पास 2000 की किस्त आने के बाद वो वापस कर लिया गया है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पे उनको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दी गई है, ईमेल आईडी दी गई है और आप लोगों के लिए यहाँ पे लेखपाल हैं जो कि अपने आसपास के ऑफिसेज में विजिट करके आप लोग अपने लेखपाल से बात करके अपनी सूची में नाम देख सकते हैं। अगर आप लोगों का सूची में नाम नहीं है तो आप लोगों को वहां पे दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोगों का सूची में नाम वहां चढ़ेगा। अगर आप लोगों की लेखपाल से भी बात नहीं बनती है तो आप लोगों को कोई आसपास के कृषि मंत्री से बात करनी चाहिए। अब इन दोनों से बात नहीं बनती है तो आप लोगों को यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत कर सकते हैं या फिर यहाँ पे अपनी पूरी परेशानी बता करके इसका सलूशन ले सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यह हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग कॉल करके सारी बातें कीजिएगा। आप लोग अपने किसी समझदार इंसान को, अगर आप लोग बातें नहीं कर पा रहे हैं तो किसी समझदार व्यक्ति को दीजिएगा, वो आप लोगों के रिगार्डिंग बात करेगा और आप लोगों की सारी परेशानियों को समझेगा और बताएगा और आप लोगों को सलूशन भी उनसे बताएगा। और आप लोग यहाँ पे ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी पे लिख करके भी अपनी परेशानियों को भेज सकते हैं, जल्दी से जल्दी आप लोगों का समाधान करने की कोशिश किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस पोर्टल पे कई लोगों ने अपनी शिकायत करके अपनी समस्या का समाधान किया है। लगभग यहाँ पे 4 करोड़ किसानों को किस्तें पहुंच चुकी हैं, 2 किस्तें पहुंच चुकी हैं और कई लोगों तक 1 किस्त पहुंची है लेकिन दूसरी किस्तें अभी तक नहीं पहुंची हैं। तो इसलिए दोस्तों ये हेल्पलाइन नंबर और ये ईमेल आईडी आप लोगों को दिया गया है। और कई बार क्या हो रहा है, किसानों की शिकायत आ रही है कि यहाँ पे उनका जो अधिकारी है, जैसे कि आप लोगों का नोडल अधिकारी हो गया, किसी तरह से पर्सनली रंजिश होने की वजह से इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं कि वो इनका अप्रूव नहीं कर रहा है, तो इनकी भी शिकायत आप लोग इस नंबर पे कर सकते हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और इस ईमेल आईडी पे कर सकते हैं। मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डाल दूंगा डिटेल कि कौन कौन सी आप लोगों की हेल्पलाइन नंबर है और कहाँ पे आप लोग अधिकारियों के खिलाफ आप लोग शिकायत कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और है कि कई लोगों के पास अकाउंट में पैसा आने के बाद वापस चला गया है, तो देखिए आप लोगों का रीवेरिफिकेशन होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने कई लोगों को, ऐसे लोगों को लिस्ट किया है। लगभग 1.5 लाख लोगों का पैसा ऐसे वापस चला गया है, वो रियल में किसान नहीं है लेकिन आप लोगों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उन्होंने अप्लाई किया है और किस्तें पाई हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के बाद उनका पैसा वापस ले लिया गया है और दोबारा से रिवेरिफिकेशन होगा उनका आने वाले समय में। और अगर आप लोग रियल किसान निकल करके आते हैं तो आप लोगों को जो भी किस्तें बनती हैं आप लोगों को वापस कर दी जाएंगी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो सिर्फ इतना ही है। जाते जाते मैं आप लोगों को एक बार और रिमाइंड करा दूं कि आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले अगर आप लोगों की किस्तें नहीं है तो लेखपाल से विजिट कीजिए या फिर कोई भी कृषि अधिकारी से आप लोग संपर्क कीजिए। अगर वहां से कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो आप लोग ईमेल आईडी या फिर आप लोग फोन नंबर, जो भी आप लोगों को हेल्पलाइन नंबर दी गई है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वहां पे कॉल करके उसकी शिकायत कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक ही खुली होगी, सैटरडे संडे नहीं खुली रहती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी अभी भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, खास करके किसान भाइयों के साथ शेयर करें जिससे कि उनको पता चल पाए कि उनको किस्तें नहीं मिल पा रही हैं तो वो अभी फिलहाल में क्या करें। बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। बेल आइकन को क्लिक करेंगे सब्सक्राइब करने के बाद तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।